देश के प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थानों में शुमार होने वाले लखनऊ के SPGI में वैसे तो स्वास्थ्य चिकित्सा से जुड़ी लगभग सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं और अस्पताल अपने शानदार चिकित्सा व्यवस्थाओं के लिए जाना जाता है, मगर इस अस्पताल में इलाज कराना मरीजों के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। यूपी के विभिन्न जनपदों से आने वाले मरीज महीनों भटकते रहते हैं, मगर उन्हें समय से इलाज नहीं मिल पाता है। अस्पताल में कोई एक महीने से तो कोई 15 दिन से भटक रहा है, मगर डॉक्टर के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। महीने भर अस्पताल में भटकने वाले मरीज का इलाज शुरू ना हो पाए, ऐसे में उस मरीज के साथ कुछ अनहोनी हो जाए या इलाज ना मिलने के कारण कोई घटना घट जाए तो जिम्मेदार कौन होगा? ये एक बड़ा सवाल है। अस्पताल में भटक रहे और पीड़ा से कराह रहे कुछ मरीजों को देखिए, उनकी पीड़ा सुनिए, किस प्रकार मरीज 10 दिन से लेकर 1 महीने तक अस्पताल में भटक रहे हैं और उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। कहाँ से लाए हो मरीज? कन्नौज से। अच्छा, क्या दिक्कत है? रीट बैक बोन्स में प्रॉब्लम है। इलाज हो रहा है यहाँ पे? इलाज क्या, वो जांच लिख दे रहे और मतलब एडमिट कर नहीं रहे मरीज को। अच्छा, तो ये PGI में कब से आए हुए हो? 10 दिन से ज़्यादा हो गए। 10 दिन से ज़्यादा हो गया है, सही से इलाज नहीं मिल पा रहा? नहीं नहीं, कुछ नहीं हो रहा। डॉक्टर वो एक भी दवाई नहीं दे रहे, बस जांच लिख दे रहे और आगे बढ़ा दे रहे। अच्छा, आज भी गए थे तो जाके ही दिन बाद सोमवार को लाना। अच्छा, हाँ सोमवार को लाना, दवाई कुछ भी नहीं मिली। 10 दिन से यहीं पे हुआ? 10 दिन यहीं पड़े, इलाज नहीं मिल पा रहा। इलाज कुछ नहीं हो रहा, ये सिर्फ जो है जाँच पे जाँच, जाँच पे जाँच हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। तो 10 दिन तक यहाँ कैसे रहोगे? यहीं पड़े रहे, घास पड़े रहे, रोड पे बारिश होती तो इसमें अंदर लेट जाते। 10 दिनों से कैसे रह रहे हैं यहाँ पे? यहीं रोड पे लेटते हैं ये, और जब बारिश होती तो इसमें अंदर लेट जाते हैं। भींगने का प्रॉब्लम बहुत है यहाँ पे। खाने पीने की भी दिक्कत होती है? खाने पीने की दिक्कत है, बस वहीं पे एक छोटा सा वो है भोजनालय, वहीं से खाना लाते हैं। योगी सरकार के द्वारा जो स्वास्थ्य महकमा है उसको बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है और इसके लिए करोड़ों का बजट जारी किया जा रहा है। हर साल करोड़ों का बजट जारी किया जाता है सरकारी अस्पतालों को ताकि उसकी सुविधाएं बेहतर हो। सीएम योगी ने लगातार ये फरमान देते हुए नज़र आते हैं कि अस्पताल में आने वाले मरीजों को बेहतर से बेहतर और जल्द से जल्द उनको व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए। इस वक्त मौजूद है राजधानी लखनऊ के प्रतिष्ठित अस्पताल SGPGI में, जहाँ सिर्फ UP से नहीं बल्कि अन्य राज्यों से भी मरीज आते हैं। फिलहाल अगर हम बात करें मरीजों की, तो हमने यहाँ पर कुछ मरीजों से बात किया तो एक मरीज़ हमको यहाँ पे मिली, राधा, जिनकी उम्र है 35 साल, वो कन्नौज से आई हुई थी। राधा 10 दिनों से PGI में भटक रही हैं और उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। वहीं अगर दूसरे मरीज़ की बात करें तो यहीं पे मकबूल मिले, मकबूल जो कि गोरखपुर के थे और उनकी उम्र थी 47 साल। मकबूल को जो बीमारी थी उसका इलाज नहीं हो पा रहा है, उनकी जांचें नहीं हो पा रही हैं। मकबूल बताते हैं कि वो पिछले 15 दिनों से कुछ खा पी नहीं पा रहे हैं और वो बेहद बीमार हैं, मगर डॉक्टर उन्हें सिर्फ जांचें करवा रहे हैं, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में भेज रहे हैं और जांचें भी मुकम्मल नहीं हो पा रही हैं। मकबूल के साथ जो तीमारदार हैं वो बताती हैं कि 1 महीना हो गया, अभी तक उनका इलाज शुरू नहीं हो पाया। मरीज़ का क्या नाम है? मकबूल है। कहाँ से आए? गोरखपुर से। क्या दिक्कत है मरीज़ को? दिमाग में गांठ है। अच्छा, उसी के लिए इलाज के लिए आए हैं। कितने दिन से आ रही हैं? अगले 23 तारीख से, 23 जून। 1 महीना हो गया है। हाँ। क्या दिक्कत आ रही है? सारी जाँचें सब हो गई? सारी जाँच हो गई हैं, लेकिन पेट सीटी जांच है वही नहीं हो पा रही है, लंबे डेट है 29 अगस्त को। अच्छा, उसकी वजह से इलाज रुका हुआ है? उसकी वजह से इलाज रुका हुआ है। हाँ। तो वहाँ काउंटर पर हम लोग बोले हैं कि जल्दी थोड़ा कर दीजिए, किसी को कैंसिल हो तो चेक करके, तो बोले हैं कि नहीं, जब डॉक्टर से लिखवा कर लाओगी तो हो गया। डॉक्टर लिख दिए हैं कि इमरजेंसी जांच हो जाए, लेकिन यहाँ आज गए थे तो मशीन बिगड़ा था इसलिए नहीं हो पाया, फिर कल बुलाए हैं, पता नहीं कल हो पाएगा कि नहीं। यानी 1 महीने से आप एक जांच के लिए परेशान हैं? परेशान हैं, और डॉक्टर बोले जब तक वो जांच नहीं होगी तब तक इलाज नहीं हो पाएगा। एक डॉक्टर बस यही कह रहे हैं कि जांच करवाइए, जांच करवाइए जाए, और लिख भी दिए हैं सिग्नेचर के लिए। अभी उस जो बीमारी है उसका इलाज नहीं शुरू हुआ और उसी से दिक्कत है, बोल पा रहे हैं ना, खा पा रहे हैं। कितने दिन से नहीं खा पा रहे हैं? 15 दिन से। 15 से कुछ नहीं? नहीं, 15 दिन से कुछ नहीं खा पा रहे हैं। वही थोड़ा हल्का सा 2-4 चम्मच दाल का पानी और दूध जूस पिला कर 10 किलो जैसे खाना हो ना, नहीं खा पा रहे हैं। ऐसे कई केसेस हैं और कई मरीज और तीमारदार हैं जो SGPGI में भटकते हुए नजर आ रहे हैं। आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि जो
उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों से और इसके अलावा बिहार समेत अन्य राज्यों से आने वाले मरीज जो यहाँ पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की उम्मीद लेकर आते हैं, वो किस तरीके से हफ्तों, पंद्रहों और महीनों भटकते हैं, इसकी जवाबदेही किसकी है और जिम्मेदार कौन है। हालांकि इस मामले में जब हमने अस्पताल प्रशासन से बात करने का प्रयास किया तो किसी ने बात नहीं किया और सही जवाब नहीं दिया। फिलहाल आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि करोड़ों रुपए का जहां पे मरीजों को बेहतर सुविधा देने के लिए बजट जारी किया जाता है, उन अस्पतालों की ये व्यवस्थाएँ हैं कि मरीज़ एक महीने तक उसका इलाज नहीं शुरू हो पाता है और वो जाँच प्रक्रिया नहीं पूरी हो पाती और भटकता हुआ नज़र आता है। ऐसे में उम्मीद लगाइए कि अगर उस दौरान उस मरीज की मौत हो जाती है, इलाज उसको बेहतर नहीं मिल पा रहा है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। वीडियो जर्नलिस्ट मार्स मेहरोत्रा के साथ फरीदुल हसन, हैशटैग भारत न्यूज़, लखनऊ।